जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी महामारी ने घर कर दिया है, जिसे कोरोना वायरस के नाम से जाना जा रहा है। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के दो साधन हैं। प्रथम, विश्व स्वास्थ्य संगठन व स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय की गई सावधानियों द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरा, अपना इम्यून सिस्टम अर्थात अपना रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएं। आज हम इसी इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास की पार्ट 1 को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारे इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार के नियमों के बारे में। इसका अभ्यास 8 वर्ष की उम्र से शुरू कर सकते हैं तथा बुजुर्ग होने की स्थिति तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर इसका अभ्यास अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। अन्य शब्दों में, स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ रहे बच्चों से इसका अभ्यास शुरू करवा सकते हैं। विशेष नियमों में, सूर्य नमस्कार का अभ्यास या तो खाली पेट करना चाहिए या खाना खाने के 2 घंटे के पश्चात करना चाहिए। सावधानियां, क्रॉनिक डिजीज, बोन वीकनेस, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, पीठ दर्द, गर्भवती महिलाएं व मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास ना करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 15 दिन लगातार सुबह शाम इसका अभ्यास करें। शुरुआत में एक समय में इसका अभ्यास कम से कम 12 बार करें, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार इसे 108 बार तक कर सकते हैं। इसके पश्चात इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर है, आइए इन्हें सीखते हैं। सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति में दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। इस स्थिति में सांसों की गति सामान्य रहेगी। उसके बाद सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति में सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाने का प्रयास करें, जितना संभव हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पर रुकें। उसके बाद सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति के लिए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरह स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के दाहिनी बाईं तरफ ले जाने का प्रयास करें और अपने माथे को अपनी टांग के साथ सटाने का अभ्यास करें। उसके बाद सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति में अपनी दाहिनी टांग को सांस भरते हुए पीछे ले जाएं और खुद ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार इस स्थिति पर भी रखें। उसके बाद सूर्य नमस्कार की पांचवी स्थिति में सांस छोड़ते हुए अपनी आगे वाली टांग को पीछे वाली टांग के साथ मिला दीजिए और अपने नितंबों को ऊपर की तरफ उठा दीजिए और माथे को आगे की तरफ स्ट्रेच करने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार की छठी स्थिति में सांसों की गति सामान्य रहेगी और अपने दोनों घुटनों को छठी स्थिति में अपने दोनों घुटनों को सबसे पहले नीचे लगा दीजिए, उसके बाद अपनी छाती को नीचे लगा दें, उसके बाद अपनी चिन को नीचे लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में सांसों की गति सामान्य रहेगी। सूर्य नमस्कार की सातवीं स्थिति में सांस भरते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करें और फिर ऊपर की तरफ देखने का भी अभ्यास करें। अपनी क्षमता अनुसार स्थिति में भी रुकें। उसके बाद सूर्य नमस्कार की आठवीं स्थिति में अपनी मध्य शरीर को ऊपर, मिडल बॉडी को ऊपर उठाते हुए नितंबों को ऊपर उठा दीजिए, सांस छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन के साथ स्पर्श कर दीजिए और अपने माथे को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार की नौवीं स्थिति में सांस भरते हुए अपनी बाईं टांग को आगे दोनों हाथों के बीच में ले आएं और पुनः फिर ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। इस
इस स्थिति में भी अपने आप को अपनी क्षमता अनुसार रोकें। उसके बाद सूर्य नमस्कार की 10वीं स्थिति में सांस छोड़ते हुए आगे वाली टांग को, पीछे वाली टांग को आगे वाली टांग के साथ मिला दीजिए और फिर अपने माथे को टांग के साथ सटाने का प्रयास करें। सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति में सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए पुनः अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाने का प्रयास करें। स्थिति में फिर अपने आप को अपनी क्षमता अनुसार ले जाएं और वहां पर अपनी क्षमता अनुसार रुकें। फिर सूर्य नमस्कार की 12वीं स्थिति, नमस्कार की स्थिति, सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी। उसके बाद 3-4 बार नॉर्मल ब्रीदिंग ले लीजिए। वन नॉर्मल ब्रीथ, टू ब्रीद इन, थ्री ब्रीद आउट, फोर ब्रीद इन, फाइव ब्रीद आउट, सिक्स नॉर्मल ब्रीथ, सेवन ब्रीद इन, एट ब्रीद आउट, नाइन ब्रीद इन, टेन ब्रीद आउट, इलेवन ब्रीद इन, ट्वेल्व नॉर्मल ब्रीथ। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के अलावा सूर्य नमस्कार के अन्य लाभ। प्रथम, पाचन तंत्र में सुधार। रोज सूर्य नमस्कार करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, इससे पाचन क्रिया सुधरती है। साथ ही कब्ज, एसिडिटी और पेट में जलन जैसी समस्याओं पर नियंत्रण होता है। द्वितीय, पेट की चर्बी घटाएं। सूर्य नमस्कार करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है, इससे पेट की चर्बी कम होती है। तृतीय, शरीर का शोधन करें। सूर्य नमस्कार करने से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन खून तक पहुंचती है, इससे शरीर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जहरीली गैसें शरीर से बाहर निकलती है। चतुर्थ, तनाव घटाएं। रोज सूर्य नमस्कार करने से नर्वस सिस्टम सुधरता है, इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिससे तनाव दूर होता है। पंचम, शरीर को लचीला बनाएं। रोज सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, जिससे शरीर लचीला बनता है। षष्टम, मासिक धर्म नियंत्रित करें। रोज सूर्य नमस्कार करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, इससे महिलाओं में मासिक धर्म नियंत्रण नियमित तौर पर आने में सहायता मिलती है। सप्तम, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाएं। रोज सूर्य नमस्कार करने से शरीर की स्ट्रेचिंग होती है, इससे मसल्स और लिगामेंट के साथ रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अष्टम, चेहरे की चमक बढ़ाएं। रोज सूर्य नमस्कार करने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं, इससे चेहरे की चमक बढ़ती है। नवम, वजन घटाने में सहायक। रोज सूर्य नमस्कार करने से बॉडी की फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है, इससे वजन घटाने में सहायता मिलती है। दशम, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार। रोज सूर्य नमस्कार करने से शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इस प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सूर्य नमस्कार हमें अनेकों फायदे देता है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। एक संदेश, इस दौरान भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया हुआ है। यह सब जन कल्याण एवं इस महामारी से बचने के लिए किया गया है, इसलिए सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।